सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ बोले गया जुगा आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क मिथिकल वर्ल्ड का। और गाइस, आर्क मिथिकल वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी वाले मिथिकल डायनो जो है ना गाइस वो टेम करे थे। एंड हमने यहाँ पे जो है ना गाइस किबल का भी थोड़ा सा जुगाड़ करा था भाई, रैबिट को टेम करके और उसकी इन्वेंट्री जो है ना गाइस वो ग्लिच करके। तो आज के इस एपिसोड में हम काफी ज्यादा खतरनाक एंड ओपी वाले जो डायनोज है ना गाइस उनको टेम करने वाले। और साथ ही में मैंने जो ना गाइस इस भाई सीरीज के एक वीडियो अपने चैनल पे भी डाली थी, उसमें मैंने कुछ टेम नहीं करा था। मैंने उसमें बस जो भी हमारी टेक की चीजें है लाइक रेप्लिकेटर, ट्रांसमीटर, वो टेक वाला जो जनरेटर है वो जनरेटर, उसके बाद यहाँ पे गाइस कुछ हमारे फ्रिज एंड भाई हमारा ये इसको क्या बोलते हैं फैब्रिकेटर, उसके बाद ये हमारा केमिस्ट्री बेंच है। तो ये सारी चीजें जो है ना गाइस वो बनाने का काम मैंने उस वाली वीडियो में देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जाके आप देख सकते हो। तो चले गाइस बिना किसी देरी के आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू कर दे। लेकिन गाइस आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा गाइस, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है जैसी ज्यादा खतरनाक एंड ओपी वाली जो वीडियो है वो बनाने के लिए। तो चले भाई लोग, खतरों से भरा हुआ हमारा जो एडवेंचर है वो बिना किसी देरी के शुरू कर देते एंड फुल टू जो है ना गाइस यहाँ पे दबाए मचा डालते। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है ना गाइस मैं डांग हॉन्ग बॉल भाई, आपको बताया होगा डांग हॉन्ग बॉल भाई, तो वो डांग हॉन्ग बॉल जो है ना गाइस वो बना के या फिर एक काम कर लेते आज जो है ना गाइस हम ट्रांसमीटर पे देख लेते। ओ एक मिनट रुक जाओ, मैं वैली में जाके ग्रिफिन टेम करूँ क्या? मेरे पास काफी ज्यादा, अरे यार एक काम मैं भूल गया गाइस, अपन को एक काम करना था। बताया क्या करना था हमको जो ना गाइस यहाँ पे टीम करना था बड़ा सा डंग बीटल। यस गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं डंग बीटल को यहाँ पे टेम करूंगा और आज के इस एपिसोड में जाके अपन बड़े बड़े से जो मेरे से भी ज्यादा बड़े वाले जो डंग बीटल है ना गाइस उनको टेम करने का काम करने वाले। ग्रीन हाउस का काम भी भाई डंग बीटल को टेम करके आने के बाद ग्रीन हाउस का काम अपन कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है? रुक जाओ, ग्रीन हाउस की वॉल भी चाहिए होगी, मैंने सीलिंग बनाई थी, रुक जाओ। ग्रीन हाउस का काम भी अपन को कंप्लीट करना पड़ेगा यार, कब से ग्रीन हाउस का काम गाइस यहाँ पे रुका हुआ यार अपना। ठीक है, ग्रीन हाउस की वॉल बना ले बेटा। वॉल किधर है? वॉल भाई मेरे हिसाब से भाई 50 से काम बन जाएगा, 50 भी नहीं भाई, हाँ 50 बना ले, चल 50 से काम बन जाएगा अपना, 50 वॉल बना लेता हूँ। एंड उसके बाद विंडो तो पहले से ही है यहाँ पे, एंड डोर फ्रेम लगा दे, आई थिंक 5 डोर फ्रेम बना ले, और अच्छा 500 खींच ले भाई, हाँ 1000 खींच ले, 1 2 3 4 5 डोर फ्रेम एंड 5 अपन बना लेंगे, 6 डोर बना लेंगे। और उसके बाद क्या लगेगा? सीलिंग लगेगा ना ऊपर गाइज, हाँ रूप भी बनानी पड़ेगी ना यार, रूप ज़्यादा नहीं बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी रूप बना लेते एंड सीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा बना लेंगे भाई, ठीक है? एंड ऐसा जो है ना गाइज अपना ग्रीन हाउस का काम भाई एकदम 25 हो जाएगा भाई, ठीक है? 25 दिन सीलिंग बना लेंगे एंड काम हो गया भाई, ठीक है? ग्रीन हाउस बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो बनाने के लिए डाल दिए, बस अभी अपन को जाके जो ना गाइस यहाँ पे वो कदर नाग एंड ओपी से जो डंग बीटल है ना, डंग बीटल में अभी क्यों टेम कर रहा हूँ आपको बताया गाइस, अगर मैं ग्रीन हाउस बनाता हूँ तो उसके अंदर हमको क्या चाहिए होता है सबसे मेन चीज़ गाइस आपको बताया गाइस, वो चाहिए होता है भाई फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर हमको मिलता है गाइस डंग बीटल से मात्र। तो इसलिए जो ना गाइस मैं डंग बीटल को यहाँ पे टेम कर रहा हूँ। येल्लो ट्राइब वाले लोग हैं यहाँ पे, मिल दूँ क्या इनको? येल्लो ट्राइब मिले यहाँ पे, रुक जा भाई, इनको बर्फ वाला अटैक देके भाई पेलम पाल दे देता भाई। हेलो सर, हाउ आर यू? ये ले बेटा, वो ये अपने भाई मालिक को भी लेके आया भाई, रुक जाओ, मालिक को भी भगवान के पास पहुंचा देता मैं। ले बेटा, अबे मालिक मर रहा है कि नहीं तेरा? मालिक भी मर गया, 1200 की बल मिल गई यार। ओ भाई येल्लो ट्राइब्समैन कितने घूम रहे, ये थिंक येल्लो ट्राइब्समैन का भाई ये वाला इलाका है। मैं एक ऐसे इलाके में गाइस गया था जहाँ पे स्कूबा डाइवर थे और उनके पास खतरनाक से एक्सप्लोजिव गन्स थी भाई, उन लोग ने मेरे ऊपर अटैक करा था और भाई पेलम पाल देने का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे मैं बच के वहाँ से भग गया भाई। ओ यार मेरे को ये भी टेम करना है ना, एलियन वुल्फ और डार्क वुल्फ, हाँ ये दोनों चीज़ें मेरे को टेम करनी है, इनको भी टेम करके रहूँगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ पहले जो ना गाइस अपन यहाँ पे डंग बिट आ रहे, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? अबे मैं तो तेरे को पानी वाला बूझ दे रहा था अंकल, भाई पानी वाला बूझ दे रहा था। ये कितने लेवल का है? 520 ना, रेड ट्रीट चाहिए ना इसके लिए। आ जाओ भाई, रेड ट्रीट का जुगाड़ कर लेते हैं। अपने पास जो ना गाइस जो बनी है ना गाइस वो चलता फिरता जो है ना गाइस अपना ये क्या बोलते हैं किबल स्टेशन है भाई, ठीक है? इस बनी को बस ऐसा बाहर निकाल के रखो और इसके अंदर से भाई
की बोल लेते रहो मस्त अभी की भाई, ठीक है बस। अबे यार ए डोंट डू जस्ट चिल ना मेरे बात चाहिए, ठीक है भाई। कीबल भी उठा ले, दो कीबल चाहिए होंगे ना, दो ही डेम कर लेता, ज़्यादा की जरूरत नहीं है गाइस अपन को, वैसे अपन को ज़्यादा की जरूरत नहीं है भाई। इसको क्या होगा, इसने इस बार कीबल नहीं दिया, हाँ इस बार देगा, इस बार पक्का देगा भाई, पक्का सो टक्का देगा। हाँ भाई इस बार है, इस बार है इसके इन्वेटर में। ले बेटा आ जा, गोलू बेटा मास्क देना है, ओके ठीक है चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। दो कीबल जो ना गाइस रेड वाले वो मेरे को मिल चुके हैं, और अपन इन भाई डंग बीटल्स को बड़े आराम से यहाँ पे टेम कर सकते हैं। बस इनके नज़दीक जाना है और इनको जाके, अरे बाप रे साइज है मजा के भाई, अरे अबे अबे अरे भाई, अरे भाई 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 भाई, ये तो अपने छोटे छोटे मिनियन छोड़ रहा है भाई। ए डोंट डू जस्ट चिल ना मेरे बाची, बाप रे भगवान। अबे जितना ज्यादा इजी सो जाता उतना ज्यादा इजी नहीं यार इनको टेम करना। मैं मार रहा हूँ गल्टी, मेरे को क्या चाहिए होगा पता है क्या गाइस, यहाँ पे बग रिपेलेंट चाहिए होगा, बग रिपेलेंट लेकिन इनको टेम करने के लिए नहीं चाहिए होता एक्चुअली में। बड़े बड़े वाले जो है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा होशियार और शातिर डंग बीटल है भाई, इनको टेम करने के लिए मेरे को जो है ना गाइस यहाँ पे वो चाहिए होगा भाई बग रिपेलेंट। बग रिपेलेंट के लिए मेरे को पेल्ट चाहिए होगा, उसका तो जुगाड़ है। नींबू वींबू चाहिए, नींबू नहीं है यार मेरे पास, मैं गिली सूट पहन के जाओ क्या, खाली गिली सूट पहन के जाता, और इस बार मैं थोड़ा छुप छुप के जाएगा बेटा, ठीक है थोड़ा छुप छुप के जाएगा ताकि उसको जो ना गाइस पता ना चले कि मैं वहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है गाइस। रुक जाओ क्या हुआ भाई, ये कौन चिल्ला रहा है, किसी को तो एकदम डरावनी सी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। चलो भाई मैं जो ना गाइस पत्तों से यहाँ पे डग चुका हूँ, और गिली सूट पहन के अभी जाते और देखते कि अपन उस जब खतरनाक से डंग बीटल वहाँ को टेम कर पाते कि नहीं यार भाई। उसने तो स्कैम कर दी यार अपने साथ, बेस के आग मैं लाड में जा रहा था, उसने अपने छुटकू मिनट्स को मेरे पीछे छोड़ दिया भाई। अच्छा हुआ भाई भग गया मैं, जैसे तैसे करके भगाऊँ यार, ठीक है। ये देखो भाई ये पानी के अंदर है, इसके मिनियन भी जा चुके हैं भाई, ठीक है रुक जाओ इस बार थोड़ा संभल के बेटा, थोड़ा संभल के, ठीक है थोड़ा संभल के, हाँ नहीं झुक के जाना है नीचे, ये झुक के जाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं गाइस, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, ठीक है आराम से चलो, आराम से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने अभी तक हमको देखा नहीं है, इसने अभी तक हमको देखा नहीं है, काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया, नाइस वन, इजी पीजी ना मेरे भाई। व्हाट द, अब मैं डंग बीटल के ऊपर बैठ सकता, मजाक कर रहे हो क्या भाई। ये देखो भाई, भाई डंग बीटल के ऊपर कभी भी मैंने जिंदगी में राइड नहीं करी, ये देखो भाई डंग बीटल के ऊपर बैठा हूँ मैं। अबे व्हाट द, अबे कौन सा डंग बीटल टीम कर लिया मैंने भाई। ये देखो भाई अनलिमिटेड स्टोन इकट्ठा कर रहा है भाई ये, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि डंग बीटल का डैमेज मैंने जितने भी डायनो टेम करे उनसे ज़्यादा जाने वाला है यार यहाँ पे है गाइस, मेरे को लग रहा है ऐसा भाई। देखो इसने भाई भर भर के स्टोन इकट्ठा कर लिए गाइस, और क्या क्या कर सकता, बेरीज इकट्ठा नहीं कर सकता, अरे वुड एंड ये भी इकट्ठा कर सकता भाई, क्रिस्टल तोड़ के भाई उनके स्टोन बना सकता है भाई ये डंग बीटल काफ़ी ज़्यादा हो गया। और कौन सा अटैक है तेरे पास, व्हाट द, ये क्या, अबे ये कोई तो पॉइजन फेंक रहा है सीपे। अबे भाई साहब ये डंग बीटल टेम कर लिया या ब्रूड मदर टेम कर ली मैंने भाई, ये अपने मुंह से पॉइजन बॉल जोड़ रहा है भाई, मजाक कर रहे हो क्या भाई, ऐसा खतरनाक सा अटैक मैंने जिंदगी में ना देखा भाई किसी डंग बीटल को करते हुए। देखो तो पॉइजन बॉल जोड़ रहा है भाई ये, हेलो हाउ आर यू ब्रो, ये कैसे कर सकते हो तुम, और अपने मिनियन भी जोड़ रहा है। अबे यार ये क्या टीम कर लिया भाई मैंने गाइज, मैंने लग रहा है कोई खतरनाक सा बॉस टीम कर लिया यहाँ पे यार। डैमेज बता, 1000 का डैमेज है मात्र यार, मेरे को लगा थोड़ा ज़्यादा डैमेज जाएगा लेकिन इसका 1000 का ही डैमेज है, और अपने मिनियन कितने का डैमेज दे रहे हैं, वो मिनियन तो उसकी भाई हवा टाइट कर रहे खा रहे उसको भाई। भाई गाइज ये डंग बीटल काफ़ी ज़्यादा ओपी है यार, काफ़ी ज़्यादा ही ओपी है भाई। पॉइजन अटैक देख भाई, पॉइजन अटैक से मैं एक आध को तो मार के रहूँगा यहाँ पे भाई, रुक जाओ मेरे पॉइजन अटैक से तो किसी की तो बैंड बजाऊंगा। पानी में भी डायरेक्टली चल रहा है भाई, तैर नहीं रहा ये, पानी के अंदर भी चल रहा है भाई इसकी आग। गाइज भाई नेक्स्ट लेवल डंग बीटल टेम करा है भाई मैंने, वो लिफ्ट क्लिक वाला अटैक क्या करता, आई थिंक गाइज मैंने क्या बोला था, ये डंग बीटल पॉइजन अटैक कर रहा है, इसने अपने लिफ्ट क्लिक वाले एक फटके से 700 का डैमेज देके पीटी को नॉकआउट कर लिया। बताओ भाई
बताओ भाई गाइस, ये डंग बीटल नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल है भाई। इसके लिए तो अभी तो पक्का लड़की बनता है भाई, खतरनाक सी चीज टेम कर ली यार मैंने भाई। ऐसा डंग बीटल मैंने जिंदगी में टेम नहीं करा था, और इसकी लेवल भी काफी ज्यादा तगड़ी है। और जो रिसोर्स ये हार्वेस्ट कर रहा है ना भाई, क्या बताओ मैं गाइस, इतने रिसोर्स तो मैं जिंदगी में हार्वेस्ट ना करे वो जितने भाई इसने एक सेकंड के अंदर में हार्वेस्ट कर लिए। रुक जाओ भाई, स्पाइडरमैन को पॉइजन अटैक दूंगा भाई, क्या डरते क्या भाई, अपने मिनियन किसी से कम है क्या? कौन भाई, आई आई अबड़ा गोलू बड़ा मास्की नहीं, गोलू बड़ा मास्की नहीं, निकलो बे पेल देंगे अपन भाई। हमारे मिनियन किसी से कम है क्या? पेल डालो भाई। रुक जाओ, मैं एक और डंग बीटल टेम करेगा भाई, मेरे को एक और डंग बीटल चाहिए भाई। रुक जाओ भाई, मैंने ना सोचा था कि आपने डंग बीटल इतने ज़्यादा पावरफुल हो दे यार भाई, खतरनाक यार। आ जाओ, लेट्स गो। कहाँ पे था डंग बीटल? वैसे मैंने इस एरिया में भाई दो तीन और डंग बीटल देखे थे। रुक जाओ गाइस, मैं फटाक से टेम करके लाता हूँ उनको भाई। गाइस खतरनाक भाई, बट मेरे को ये बता दी कि डंग बीटल जो है ना गाइस, वो यहाँ पे हमको जो चीज चाहिए, आपको बताया गाइस हमको क्या चाहिए? ओ ये टेमेबल होते हैं क्या? लीची बिचू, अच्छा नॉट टेमेबल होते वो, ये रहा एक और डंग बीटल। हमको जो चीज चाहिए वो दे पाएंगे ये? 200 लेवल एंड ये भी 200 लेवल प्राइम ही है ना। एक काम करना, बनी को निकाल दे पहले बनी को निकालूंगा, उसके इन्वेंटरी से एक और की बल लूंगा और दोनों को टेम कर लूंगा भाई इसके आग। आ जा बेटा। ओ मतलब मेरे को इसकी इन्वेंटरी ओपन करके देखना जरूरी है। अगर मैं इसकी भाई ऐसे ही भाई डायरेक्टली इसको ऐसे ही क्राइव कर लेता हूँ ना, तो ये मेरे को किबल नहीं देगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे निकाल के इसकी इन्वेंटरी देखता हूँ लाइक ऐसे, और उसके बाद इसको ऐसा क्राइव करता हूँ, तो ये मेरे को किबल देगा। वाह वाह बेटे वाह, क्या ही लॉजिक है, नेक्स्ट लेवल लॉजिक ब्रो, नो लॉजिक ओनली मैजिक गाइज। ओ ये वाला डंग बीटल जो है ना गाइज, ये मैं अपने उसके अंदर रख दूंगा, बताए ये वाले को, इस वाले को टेम कर लेता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि गाइज अगर मैं वो बड़े वाले को रखूंगा ना, तो गाइज काफी ज्यादा बड़ी जो है ना गाइज जगह घेर लेगा यार, और मैंने चाहता कि इतनी ज्यादा बड़ी जगह जो है ना गाइज वो घेर ले भाई, इसलिए मैं छुटकू वाले को भाई टेम करके रखा हूँ। इसको अपन जो है ना गाइज यहाँ पे अंदर रख देंगे भाई। अबे आना भाई करायो, हाँ नहीं चलो, अभी और जो है ना गाइज डंग बीटल यहाँ पे टेम करके अपनी डंग बीटल आर्मी बना लेंगे, आराम से चलना बेटा, वरना पेल देगा बेचारा डंग बीटल। बेचारा नहीं है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, ब्रूड मदर की याद आ रही है इसको देख के मेरे को। नाइस वन, काफी बढ़िया। ले बेटा इसको क्राइव कर ले, इससे पहले किसी से पंगे ले भाई। अबे यार मैं डर गया, खुद को देख के डर गया भाई, मैं बोला ये कौन आ गया गाइस घास में से। ओ भाई चलो आ जाओ, ये रहा फाइनल वाला डंग बीटल, आराम से नजदीक चल आराम से। कार्किनोस को टेम करने के लिए क्या चाहिए? कार्किनोस को भी टेम कर लेंगे भाई, डर दे क्या भाई। आजा बेटा आजा, गोलू बेटा मास दी नाई, नाइस वन गाइज, एक नहीं दो नहीं डायरेक्टली तीन भाई, खतरनाक से भाई डंग बीटल्स टेम करे मैंने भाई। बॉस डंग बीटल आप बोल सकते हो गाइस इनको, क्योंकि इनके पास सारे सारे बॉस वाले एबिलिटीज है भाई। मिनियन स्पॉन कर सकते हैं भाई खुद के भाई, ऐसा डंग बीटल कौन सा है जो अपने खुद के मिनियन स्पॉन कर सकता है भाई। ले बेटा ये खा ले सबसे पहले, एंड उसके बाद अपन को एक और काम करना पड़ेगा भाई। डंग बीटल्स को बाहर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या चीज टेम करी है भाई, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या चीज टेम करके लाया होगा इसमें, ठीक है। रुक जाओ, याक नहीं दो नहीं डायरेक्टली तीन भाई, ये याक। अरे बाप रे भाई, इसकी साइज तो कुछ ज्यादा ही, मेरे को लगा था सीढ़ियों पे भाई ये हो जाएंगे भाई, आराम से इनको रख दूंगा। लेकिन इनकी साइज जो है ना कुछ ज्यादा है, मैं नॉर्मल डंग बीटल से अगर कंपेयर करूँ ना, तो आप इसकी साइज देखे ऐसा चौक जाओगे। ये देखो भाई, ये रहा हमारा नॉर्मल सा छुटकू डंग, बाप रे भाई, ये देखो ये हमारा नॉर्मल सा छुटकू डंग बीटल, और ये देखो हमारा बड़ा सा डंग बीटल यार। गाइज कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाले डंग बीटल टेम कर लिया यार। गाइज इन डंग बीटल के लिए एकदम खतरनाक वाले नाम जरूर डालना गाइज नीचे कमेंट में भाई, ठीक है। मेरे को चाहिए नीचे कमेंट में एकदम इनके लिए खतरनाक से नाम भाई। ये देखो भाई, ये देखो हमारी डंग बीटल आर्मी भाई, मजाक कर रहे हो गाइज, क्या ओपी लग रही है। चलो भाई ये डंग बीटल जो है ना गाइज, इनको अभी फिलहाल के लिए हम क्रायो कर लेते हैं भाई, चारों के चारों को, ठीक है। एंड अभी जो अपना ग्रीन हाउस वाला काम अधूरा बचा है ना गाइज, उसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था गाइज कि ग्रीन हाउस वाला अपन काम करेंगे, तो अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन हाउस के लिए मैंने वॉल बना दी, डोर बना दिए, छत बना दी, और ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। एंड एक मिनट रुक जाओ, ग्रीन हाउस वाला वो रह गया ना गाइज अपन का, वो एक ऑपोजिट, हाँ ये एक दो भाई, ठीक है। इनको बनने दो, तब तक मैं ग्रीन हाउस का काम कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि जो ना गाइज जो मैजिकल सीड्स हमको मिलते हैं ना, मिथिकल सीड, वो जो ना गाइज मैं इसके अंदर डाल के लगा सकूँ यार। मेरे को देखना है कि वो जो ना गाइज हमको क्या देती है भाई वो सीड, ठीक है। आराम से भाई, आराम से, नाइस वन, ऐसे ही करना है अपन को, काफ़ी बढ़िया। वन टू
और यहाँ पे किधर है बेटा? हाँ इधर है ना, इस तरफ से एक भाई रोड रख दे भाई। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से नीचे तरफ जो ना गाइस सीढ़ियाँ लगा दूंगा, अभी नहीं बाद में गाइस, ठीक है? बाद में मैं यहाँ पे नीचे साइड में जो ना गाइस सीढ़ियाँ लगा दूंगा। मेरे को उधर नीचे साइड जो पत्थर है ना गाइस उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बना लेना है। वैसे वो पत्थर आई थिंक टूटने वाला पत्थर है, अगर कोई आके तोड़ के चला गया तो पूरा जो भी चीज़ उसके ऊपर बनाऊंगा वो डायरेक्टली स्वाह हो जाएगी। लेकिन फिर भी भाई, ए भाई तू टूटने वाला, हाँ ये टूटने वाला पत्थर नहीं है, अगर ये भी टूटने वाला पत्थर होता तो दिमाग का दही हो जाता यार मेरा। ठीक है ले बेटा गाइस, खतरनाक भाई खतरनाक। डन 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 डन, अपना काम हो चुका है पांच चीज, और अपन ने भाई ऑलमोस्ट अपना ये जो ग्रीन हाउस है गाइस वो यहाँ पे बना लिया है भाई। ठीक है अभी जो ना गाइस रुक जाओ, मेरे को यहाँ पे लगा डालनी है अपनी क्या बोलते हैं डोर्स लगा देने। वैसे मैंने डोर पहले से लगाए थे, मैंने इतने ज़्यादा डोर क्यों बनाए मेरे को खुद बता नहीं यार। ग्रीन हाउस इफेक्ट भाई देखना पड़ेगा कितना पड़ रहा है, 0% पड़ रहा है अभी तक तो यार। ठीक है डोर जो ना गाइस वो लग चुका है। ये पानी देख रहे हो, पानी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। लेकिन अच्छी बात है कि पिछली बार की तरह अपन ने भाई यहाँ पे जमीन के अंदर से पाइप नहीं डाले। अरे यार झुक के जाना पड़ता है, मैं भूल गया भाई। ठीक है अभी जो ना गाइस मेरे को यहाँ पे ग्रीन हाउस के ये चाहिए होंगे, जिससे मैं लेफ्ट एंड राइट जो है ना गाइस इनको लगा के इनके ऊपर एकदम मस्त भी रूप लगा सकूँ अपनी। ठीक है भाई अपना ग्रीन हाउस हो गया ऑलमोस्ट कम्प्लीट समझ लो भाई, काम 25 है यार। ओके काम 25 है, काम 25 है। क्या बन रहा है दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन फिर भी लगा देता हूँ भाई। ठीक है ले बेटा नाइस वन, एंड ले बेटा इधर एक भाई। ठीक है चलो गाइस काम हो गया वो। अभी यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है गाइस, यहाँ पे मेरे को लगानी है वॉल, उसके बाद मेरे को लगानी है ये। मैं रूपी नहीं लेके आया गाइस, मैं ग्रीन हाउस की जो छत होती है वही लेके नहीं आया, मैं बस सीलिंग लेके आया हूँ। रुक जाओ गाइस मैं रूप भी लेके आता हूँ। ठीक है हो गया गाइस ईजी पीजी ब्रो, नीचे झुक के जाना पड़ता है यार मेरे को। एक व्यू में यहाँ भी डेम करना पड़ेगा गाइज, व्यू में आगे बना जो ना गाइज यहाँ पे अपना काम नहीं बनेगा। ग्रीन हाउस रूप यहाँ पे रह गई भाई। अरे यार ग्रीन हाउस की रूप तो वहाँ पे नहीं है, ग्रीन हाउस की आ चाहिए ये रही छत। छत आई थिंक मेरे इन्वेंटरी में पहले से पड़ी हुई थी, उस रीजन से मेरे को दिखाई नहीं दे रही थी। ओ भाई ओपी लग रहा है गाइज, ओपी लग रहा है। वैसे अपना पुराना वाला ही डिज़ाइन है, कोई नया कुछ खास नहीं बनाया अपन लोग ने। ठीक है अब बेटा गोल बेटा इधर, हाँ नाइस वन काफ़ी बढ़िया। ले बेटा अबे यार ये क्या है, ऐसा कौन लगाता है बाबा नीचे साइड में छत। ले बेटा इधर एंड ले बेटा, अरे यार आराम से बेटा आराम से, नाइस वन पिकअप लेट्स गो एंड लेट्स गो भाई। ठीक है इधर एंड उसके बाद बेटा बेटा इधर इधर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड आराम से। यहाँ पे भाई लगना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट करके लगानी पड़ेगी गाइस, समझ रहे हो समझ रहे हो। हल्का सा एक हाँ ये रहा स्पॉट, नाइस वन। चलो अभी मेरे को ग्रीन हाउस की बस सीलिंग लगानी है ऊपर साइड में, और अपना काम हो जाएगा 25। चले बेटा गाइस हो गए भाई, छत भी लग गई। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना गाइस पड़ना शुरू हो गया होगा। हो गया क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट? जीरो है, मतलब जब तक पूरी तरह से अपन पैक नहीं करेंगे ना गाइस इसको, तब तक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना गाइस वो पड़ेगा नहीं यहाँ पे। वाह बेटे वाह, ठीक है चलो ले ये 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 ले भाई। ठीक है ग्रीन हाउस इफेक्ट 300%, लेट्स गो ना मेरे बाजी, काम बाजी से काम बाजी से ना मेरे भाई लोग। तो गाइज हमने यहाँ पे पार्ट लिया हमारा ग्रीन हाउस जो है ना गाइज वो बना लिया है। एंड रुक जाओ मेरे को स्टेयर चाहिए होगी भाई थोड़ी सी, वो स्टेयर तो 64 पड़ी हुई है मेरे पास। वाह बेटे वाह, तो गाइज फाइनली हमने जो ना गाइज हमारा यहाँ पे ग्रीन हाउस बना लिया। हाँ ग्रीन हाउस में अभी तक कुछ हमने लगाया नहीं यार, लेकिन हमने बना लिया गाइज अपना ग्रीन हाउस। ऊपर से बेटा ऊपर से लगाना है, ऊपर से लगाना है। रुक जाओ यहाँ पे मैं स्टेयर लगा देता भाई लाइक दिस एंड लाइक दिस भाई। ठीक है एंड यहाँ पे एक पिल्लर लगा दूंगा, ताकि पिल्लर नॉर्मल वाला, मीडियम नहीं स्मॉल लगा दे बेटा, लार्ज नहीं बेटा स्मॉल। हाँ नाइस वन। चलो गाइज अपना काम जो ना गाइज वो हो चुका है यहाँ पे 25, काम 25 है, काम 25 है भाई। ठीक है अपन ने यहाँ पे स्टेयर भी लगा दिए, जिससे अपन जो ना गाइज यहाँ पे नीचे साइड में आ गए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बना भी सकते हैं भाई। ठीक है यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़े आराम से इस वाले पत्थर पे अपन बना सकते हैं भाई। ठीक है टूटने वाला तो नहीं ना पत्थर, और पता चल टूटने वाला है गाइज। ठीक है चलो तो गाइज अपना ग्रीन हाउस आपको कैसे लगा, और हमारे भाई जो डंग बीटल मैंने टेम करे भाई, जो कि यहाँ पे ब्रूड मदर वाले सारे अटैक कर रहे हैं, तो ब्रूड मदर डंग बीटल आपको कैसे लगे मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिल जाएगा सबसे अगले एपिसोड में गाइज यहाँ पे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के मिथिकल वर्ल्ड के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइज। और हमारे जो डंग बीटल है प्यारे प्यारे से, उनके लिए अच्छे अच्छे नाम जो ना गाइज वो भी
नीचे कमेंट सेक्शन में डालना नहीं भूलना, और आपको नीचे व्लॉगिंग चैनल की भी अपनी लिंक मिल जाएगी, तो गाइस वो भी व्लॉग जाके जरूर देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो चले गाइस, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। And how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.